अल्लाह स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू डिटर्मिन फैब्रिक स्टिफनेस बाई फाइंडिंग बैंडिंग लेंथ ऑफ द फैब्रिक अकॉर्डिंग टू एस टी एम डी वन थ्री डबल एट स्टैंडर्ड तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैब्रिक स्टिफनेस को लैब में कैसे मैयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू एस टी एम डी वन थ्री डबल एट स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम फैब्रिक की बैंडिंग लेंथ मैयर करते हैं और फिर उसकी फाइन करते हैं और ये दोनों चीज़ें हमें फैब्रिक की स्टिफनेस के बारे में बताती हैं तो फैब्रिक की स्टिफनेस होती क्या है स्टिफनेस कह लें कि फैब्रिक की रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है ये अपोजिट है फ्लेक्सिबिलिटी का तो जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी हो उतना ज़्यादा लेस फ्लेक्सिबल होगा फैब्रिक तो जो बेंडिंग लेंथ होती है बेसिकली इस टेस्ट में फैब्रिक अंडर इट्स ओन वेट बेंड करता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फैब्रिक की बेंडिंग लेंथ है इट इज़ अ मैयर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन फैब्रिक वेट एंड फैब्रिक स्टिफनेस के फैब्रिक के वेट और फैब्रिक की स्टिफनेस का जो मैयर है वो ये बेंडिंग लेंथ है तो बेंडिंग ऑफ 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 फैब्रिक फैब्रिक इज वन कंपोनेंट ड्रेप एंड इट इट रिफ्लेक्ट्स स्टिफनेस फैब्रिक और ये फैब्रिक की स्टिफनेस को रिफ्लैक्ट uh, करती है तो ये बहुत सारी फैब्रिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फैब्रिक की स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं मिसाल के तौर तो, पे फैब्रिक का जो ड्रेप है और uh, इसी तरीके से फाइबर की जो सर्फस प्रॉपर्टीज हैं या फिर उसकी कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी इसमें भी स्टिफनेस अपना रोल प्ले करती है फिर जो फ्लैक्चुर रिजिडिटी हम फाइंड करते हैं इस लैब एक्टिविटी में वो भी मैयर होती है फैब्रिक की स्टिफनेस की और फैब्रिक स्टिफनेस होती क्या है कि वेन टू इक्वल एंड ऑपजिट फोर्सेज एक्ट अलॉन्ग पैरल लाइन्स ऑन आइदर एंड ऑफ द स्ट्रिप ऑफ यूनिट विर्थ ऑफ फैब्रिक एक फैब्रिक का सैम्पल है आपके पास जिसकी यूनिट विर्थ है एक सेंटीमीटर है या एक इंच है अगर उसको बैंड किया जाए टू अ यूनिट करवेचर के एक यूनिट करवेचर के ऊपर उसको बैंड किया जाए इन द ए एबसेंस ऑफ एनी अदर टेंशन तो ये फ्लैक्चुर रिजिडिटी कहलाती है और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फैब्रिक स्टिफ होगा और जितनी कम होगी उतना फैब्रिक फ्लैक्सीबल होगा तो आ, फैब्रिक की जो स्टिफनेस है बेसिकली वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है जो हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक नहीं है जिसमें फाइबर टाइप आ जाती है कि फाइबर ही अगर स्टिफर है तो फैब्रिक भी स्टिफ बनेगा यान का स्ट्रक्चर अगर स्टिफ है मिसाल के तौर तो पे अगर ट्विस्ट ज़्यादा दे दिया गया है तो भी फैब्रिक स्टिफ बनेगा फैब्रिक का स्ट्रक्चर है जिसमें फैब्रिक की वीव आ जाती है फैब्रिक की आम, एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच आ जाते हैं जी उसका आ जाता है ये सारी चीज़ें फ़ैब्रिक के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती हैं तो आ, ये भी फैब्रिक की स्टिफनेस को इन्फ्लुंस करते हैं फिर उसके बाद फैब्रिक के ऊपर जो फिनिश्ड फैब्रिक होता है उसमें अगर किसी किस्म की कोई फिनिश अप्लाई हुई है कि नहीं हुई अगर कोई फिनिश अप्लाई हुई है तो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी और अगर आ, फिनिश अप्लाई नहीं हुई तो उसकी स्टिफनेस रिलेटिवली कम होगी तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो फैब्रिक की जो स्टिफनेस है उसको आ, उसको कंट्रोल करते हैं तो जो ए एस टी एम डी वन थ्री डबल एट स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक हम फैब्रिक की जो स्टिफनेस है वो मैयर करते हैं इसके स्कोप में तकरीबन तो सभी फैब्रिक आ जाते हैं मिसाल के तौर पर वोवन एयर बैग के जो फैब्रिक्स होते हैं ब्लैंकेट्स नैप्ड फैब्रिक्स नीडेड फैब्रिक्स लेयर्ड फैब्रिक्स पायल लेयर फैब्रिक्स या मोर सूटेबल फॉर वोवन फैब्रिक्स देन फॉर निटिड फैब्रिक तो ये जो है तकरीबन तमाम तरह के फैब्रिक्स को कवर करता है लेकिन देखा गया है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वोवन फैब्रिक्स को ज़्यादा ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं निटड फैब्रिक की नस्बत तो इस स्टैंडर्ड के अंदर दो तरह के मॉड ऑफ टेस्ट आते हैं एक को कैंटिलीवर टेस्ट कहते हैं एक को हार्ट लूप टेस्ट कहते हैं ज़्यादातर जो हमारी लैब में टेस्ट परफॉर्म होता है या हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं वो कैंटिलीवर टेस्ट है और इस टेस्ट में कैंटिलीवर बेंडिंग ऑफ द फैब्रिक अंडर इट्स ओन वेट के फैब्रिक की जो स्ट्रिप है ज, या स्ट्रिप की फॉर्म में जो हम फैब्रिक का सैंपल काटते हैं वो अंडर इट्स ओन वेट बेंड करता है और हम उसकी बेंडिंग लेंथ को मैयर करते हैं तो ये रिलेटिवली सिंपल है बट नॉट सूटेबल फॉर लिंक फैब्रिक्स हैविंग टेंडेंसी टू कर्ल और ट्विस्ट लेकिन ऐसे फैब्रिक जो आ, जिन जिनमें कर्ल होने की या ट्विस्ट होने की टेंडेंसी होती है उनको ये कवर नहीं करता तो ऐसे फैब्रिक जो कर्ल या ट्विस्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं उनके लिए हार्ड लूप टेस्ट है हार्ड लूप टेस्ट में इट इज इज लूप इन द स्ट्रिप एंड हंग वर्टिकली सूटेबल फॉर फैब्रिक हैविंग टेंडेंसी टू कर्ल तो इसमें एक लूप बनता है जिसमें फैब्रिक को को की स्ट्रिप को वर्टिकली हैंग किया जाता है और ये उस तरह के फैब्रिक्स को सूटेबल होता है जिनकी टेंडेंसी होती है कर्ल होने की या ट्विस्ट होने की अब इस टेस्ट का प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो फैब्रिक होता है उसको कंडीशन कर लिया जाता है लैब की जो एटमोस्फियर है उस, उसकी कंडीशन आ, के ऊपर इसको कंडीशन कर लिया जाता है फिर फैब्रिक में से सैंपल काटा जाता है एट बाई वन इंच का एट इंच उसकी लेंथ हो और वन इंच उसकी विड्थ हो फिर इस फैब्रिक की स्ट्रिप को उस इंस्ट्रूमेंट की सरफेस के ऊपर रखा जाता है और उसको स्लाइड किया जाता है एट एस एट अ स्पेसिफिक रेट और यह स्लाइडिंग रेट अगर तो मोटराइज्ड स्लाइडिंग हो रही है तो उसको आप वन ट्वेंटी पर मिनट के हिसाब से सेट uh, कर देते हैं या फिर इसी टेस्ट uh, रेट का एकेविल जो कि हाथ से आप uh, उसको स्लाइड करें वो सेट करते हैं इन लेंथ वाइज डायरेक्शन ऑन अ हॉरिजेंटल सर्फस अंटिल लीडिंग एज ऑफ द फैब्रिक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द हॉरिजेंटल सर्फस के जिस सर्फस के ऊपर ये फैब्रिक की स्ट्रिप स्लाइड कर रही होती है स्लाइड करते करते जब उसके एज से फैब्रिक का एज आगे निकल जाए तो uh, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन uh, के ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जब वो बेंड कर जाए तो हम इस स्लाइडिंग को फिर रोक देते हैं तो जब लीडिंग एज ऑफ द फैब्रिक बैंडस अंडर इट्स ओन वेट तो जब ये फ्लैट uh, सरफेस से आगे निकलेगा तो जो फैब्रिक है वो अपने uh, अपने ही वेट के अंदर वो बेंड करेगा और ये जब ये बेंड होने वाला फैब्रिक का जो एज है वो 41 डिग्री एंगल uh, के ऊपर या 41.5 डिग्री के एंगल के ऊपर उस लाइन को टच करेगा जो कि 41.5 डिग्री एंगल के ऊपर ड्रा की गई है तो स्लाइडिंग uh, रोक दी जाएगी अब इसके बाद जो ओवरहैंग लेंथ है फैब्रिक की उसको हम uh, एक स्केल की मदद से मैयर कर लेते हैं और इस ओवरहैंग लेंथ से हम फैब्रिक की बेंडिंग लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इसी बेंडिंग लेंथ को यूज़ करते हुए हम फ्लैक्श्रल रिजिडिटी uh, जो है फैब्रिक की कैलकुलेट कर लेते हैं और इस फ्लैक्चुर रिजिडिटी का कैलकुलेट uh, करने के लिए हमें बेंडिंग लेंथ के साथ साथ फैब्रिक का जी भी चाहिए होता है तो हम जिस फैब्रिक को uh, हम टेस्ट कर रहे हों उसका हम जी भी फाइंड कर लेते हैं तो नॉर्मली चार से पाँच टेस्ट किए जाते हैं फैब्रिक की दोनों साइड्स को फेस और बैक को दोनों को टेस्ट किया जाता है और फिर इसकी एवरेज यानी बेंडिंग लेंथ की एवरेज नोट कर ली जाती है और फिर इसका जी जो है उसकी भी एवरेज नोट कर ली जाती है तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी लैब में भी पड़ा हुआ है वो इस तरह का हमें नज़र आता है ये ऊपर इसकी एक सरफेस है इस सरफेस के ऊपर एट इंच बाई वन इंच डायमेंशन की जो फैब्रिक की स्ट्रिप है वो यहाँ पे रखी जाती है फिर इस इस स्ट्रिप के ऊपर एक न, आ, स्लाइड रखी जाती है ग्लास की स्लाइड हो या वुडन स्लाइड हो उसको आगे को मूव किया जाता है तो फैब्रिक भी आगे, आगे को मूव करता है तो जैसे ही इस एज से आगे फैब्रिक निकलता है तो फैब्रिक अपने ही वेट के अंडर बेंड होगा तो अगर तो फैब्रिक की स्टिफनेस कम है तो बहुत ही कम लेंथ के ऊपर फैब्रिक बेंड कर जाएगा और अगर फैब्रिक की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लेंथ आगे को जाके बेंड होगा तो ये एक लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट से लेके टॉप सरफेस से लेके यहाँ तक इस एज तक एक लाइन आ रही है ये 41.5 डिग्री के ऊपर ड्रा की गई है तो जैसे ही फैब्रिक बेंड होता है और बेंड होने के बाद फैब्रिक का एज इस लाइन को टच करता है तो हम इस सरफेस के ऊपर जो फैब्रिक की स्लाइडिंग है वो रोक देते हैं और रोकने के बाद यहाँ पर एक लीनियर स्केल लगा होता है उससे हम मैर कर लेते हैं कि कितनी लेंथ फाइबर की तो यहाँ पर ओवरहैग हुई है और वहाँ से फिर हम फैब्रिक की बेंडिंग लेंथ निकालते हैं और बेंडिंग लेंथ भी हमें स्टिफनेस बताती है और उसको आगे हम यूज़ करके फ्लैक्चुरल भी फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें फैब्रिक की स्टिफनेस हमें बताती है तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मिनिमम डायमेंशन एट इंच बाई वन पॉइंट फाइव इंच होती है और इसकी स्मूथ फ्लैट और लो फ्रिक्शन सरफेस होनी चाहिए कि यहाँ पे जो सरफेस है इसकी फ्रिक्शन कम होनी चाहिए इसको स्मूथ होना चाहिए फ्लैट होनी चाहिए ताकि ये जब फैब्रिक को स्लाइड किया जाए तो कोई इंटरवेंशन ना हो फिर जब फैब्रिक की स्लाइडिंग है वो अगर मैनुअल करनी है तो हाथ से होगी और अगर मैनुअल नहीं करनी तो इसको फैब्रिक की स्लाइडिंग के लिए बहुत सारे जो टैस टेस्ट, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनमें मोटर यूनिट होता है मोटराइज यूनिट होता है जो कि फैब्रिक को एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर मूव करवाता है जो कि नॉर्मली 120 मिलीमीटर पर मिनट होता है और अगर ये मोटराइज्ड यूनिट इंस्ट्रूमेंट में ना हो तो इतने ही रेट के कैबिनेट हम हाथ से उसको स्लाइड कर सकते हैं तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट होता है अब उसके बाद ये हमें नजर आ रहा है स्लाइड के ऊपर बेंडिंग लेंथ और फ्लेक्सुरल uh, रिजिडिटी का फार्मूला तो जो हम, हमने ओवरहैंग लेंथ मेजर की है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्केल की मदद से उसको आप दो से डिवाइड करें उसको ओठ ओ से यहाँ पे डिनोट किया गया है और इसको अगर दो से डिवाइड करें तो आपके पास बेंडिंग लेंथ आ जाती है बेसिकली ये जो बेंडिंग लेंथ है इसकी स्कीम यहाँ पे दिखाई गई है कि ये सरफेस है इसके ऊपर यहाँ पे हम स्ट्रिप रखते हैं स्ट्रिप को आस्था से आगे मूव करते हैं और फिर ये ये हमारी स्लाइड है और ये फैब्रिक बेंड किया है और इसने उस लाइन को टच किया है जो कि फोर्टी डिग्री एंगल के ऊपर ड्रा की गई है तो ये जो बेंडिंग लेंथ है ये एंगल थीटा और लेंथ एल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है लेंथ एल को आप ओवर लेंथ यहाँ पे शो किया गया है और फिर यहाँ पे जो है वो आ, एंगल थीटा तो ये जो फिर बेंडिंग लेंथ है ये ओवर लेंथ जिसको आप ओ कह लें या फिर एल से यहाँ पे डिनोट किया गया है ये लेंथ एल का ओवर हेंग लेंथ का और इस एंगल थीटे का फंक्शन होती है तो इसके ऊपर डिपेंड करती है तो ये जो एंगल थीटे का फंक्शन है ये बेसिकली यहाँ पे ये दि दिया गया है कि जो थीटा है जो फंक्शन थीटा है ये बेसिकली इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको अगर इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाए तो ये जो थीटा है ये 41.5 डिग्री होता है तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन पॉइंट आता है तो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई ओ या फिर इसको आ, ओ को या ओवर हैग लेंथ को अगर आप टू से डिवाइड कर दें तो एक ही बात है पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दें या टू से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास फिर इसकी बेंडिंग लेंथ आ गई जो कि सेंटीमीटर में है और ओवर हेंग लेंथ भी सेंटीमीटर में थी तो हमने बेंडिंग लेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर ली अब ये बेंडिंग लेंथ जिसकी जित जिस फैब्रिक की जितनी ज़्यादा होगी ये भी रिप्रेजेंट करती है कि वो फैब्रिक कितना स्टिफ है अगर आप दो फैब्रिक का कंपैरिजन कर रहे हो एक की कम है एक की ज़्यादा है तो जिसकी ज़्यादा है उसकी बेंडिंग उसकी जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा होगी तो आगे अगर आपने इसकी फ़्लैक्चुरल रिजिडिटी का फार्मूला फाइन करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है कि फ्लैक्चुरल रिजिडिटी को अगर आप जी से डिनोट करें तो अगर उसका डब्ल्यू उसका जी एस एम है फैब्रिक का जी एस एम अगर आप मैयर कर लें और उस जी एस एम को आप मल्टीप्लाई करें इसके बैंडिंग लेंथ के क्यूब से तो आपके पास फ्लैक्चुरल रिजिडिटी फैब्रिक की आ जाएगी जो कि जिसका यूनिट मिलीग्राम सेंटीमीटर होगा तो फैब्रिक का जो जी एस एम होगा उसको आप फिर आपको फिर मिलीग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि ग्राम पर स्क्यर मीटर में नॉर्मली नॉर्मली हमारे पास होता है तो अब हम बेसिकली देखते हैं कि लैब के अंदर हम इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं ये हमने स्ट्रिप कार्ड के इधर साइड पे रखी हुई है और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है लेब के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये फैब्रिक की स्ट्रिप पर जो काटी थी और ये उठा के फैब्रिक की इंस्ट्रूमेंट की फ्लैट सर्फस के ऊपर हमने रखा है और इसके बाद हम इसको स्लाइड करेंगे तो ये ये हमारे पास स्लाइड है जो ग्लास की भी हो सकती है यहाँ पे इस केस में वुडन है इसके जरिए से हमने फैब्रिक को आगे से आ, आ, आगे को स्लाइड किया स्लाइड करने के बाद ये जो लाइन ड्रा की गई है 41.5 डिग्री एंगल के ऊपर तो यहाँ तक लाने के बाद हमने इसको स्लाइडिंग uh, जो है वो रोक दी तो अब हम इसकी ओवर लेंथ यहाँ पे एक स्केल यहाँ पे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे भी स्केल लगा होता है जहाँ से इसकी ओवर लेंथ को पढ़ लिया जाता है अगर ना हो तो फिर अपने स्केल uh, की मदद से भी ये ओवर लेंथ यहाँ से नोट uh, कर ली जाती है तो उसके बाद यहाँ से हमारे पास ओवर लेंथ uh, आ जाती है जिससे हम बेंडिंग लेंथ फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसी फैब्रिक का जिसका हमने ए, जिसके हमने बेंडिंग लेंथ फाइंड की है इसका हम जी फाइंड करते हैं बिल्कुल ऐसे जिसकी वीडियो हम पहले ए, ए, एक देख चुके हैं तो यहाँ से हम फैब्रिक का सैंपल जी एस एम कटर से काट के इसका हम वेट कर लेते हैं और इस वेट से हम फैब्रिक का जी निकाल लेते हैं उस जी को फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीग्राम पर स्क्र सेंटीमीटर में फिर उस जी और इस बेंडिंग लेंथ की मदद से हम फैब्रिक की फ्लैक्चुरल रिजिडिटी भी फाइन कर लेते हैं तो हमारे लैब के स्टाफ ने ये एक एक फैब्रिक की वार्प वाइज और वेफ्ट वाइज बेंडिंग लेंथ फाइंड की है चार सैंपल्स को टेस्ट किया और उसकी फिर एवरेज निकाली है तो वार्प वाइज 2.34 सेंटीमीटर है और वेफ़्ट वाइज 2.24 सेंटीमीटर है तो इसके साथ ही अगर हमारे पास हम सपोज करें कि फैब्रिक का जो जी है वो वन ग्राम पर स्क्यर सेंटीमीटर है या पर स्क्यर मीटर है तो ये तकरीबन तो ये बन जाएगा फोटीन पॉइंट पर स्क्यर सेंटीमीटर तो बेंडिंग लेंथ हमारे पास अगर 2.24 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है फैब्रिक की वो थर्टी टू मिलीग्राम सेंटीमीटर निकल आती है तो इस तरीके से हम किसी भी फैब्रिक की स्टिफनेस फाइंड कर सकते हैं और हम कंपेयर भी कर सकते हैं अगर हमने मिसाल के तौर पर एक फैब्रिक के ऊपर एक की के ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई की है तो ट्रीटमेंट या फिनिश अप्लाई करने के बाद फैब्रिक की स्टिफनेस के ऊपर क्या इंपेक्ट आया उसको भी हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं अगर तो फ्लैक्चुरल रिजिडिटी या बेंडिंग लेंथ ज़्यादा आएगी तो फैब्रिक की स्टिफनेस ज़्यादा हो, हो जाएगी और अगर कम आएगी तो वो आ, उसकी स्टिफनेस कम होगी किसी भी फिनिश के बाद तो इस तरीके से हम फैब्रिक की स्टिफनेस लैब के अंदर मैय कर सकते हैं थैंक यू